हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आज जो दोस्तों वीडियो लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन पैनल पे ये वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो आपको ये बताएगा कि हमारे जो भी इक्विपमेंट होता है, जो भी हम पावर जनरेट कर रहे हैं, वो पावर जनरेट करने के बाद हमें अपने प्लांट से उसको कनेक्ट करना है, तो हमें उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी वेरिएशन, मतलब जो फ्रिक्वेंसी हमारी जनरेट हो रही है और जो प्लांट की फ्रिक्वेंसी उससे मैच करता रहे और उसी के अकॉर्डिंग हमारी टर्बाइन जो है वो रोटेट करती रहे या टर्बाइन उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को मेंटेन कर पाए, तो वो चीज़ हम कर पाते हैं सिंक्रोनाइजेशन पैनल। खाली प्लांट के लोड से नहीं, बाहर जो ग्रिड जुड़ा हुआ है या और भी एक्सटर्नल पीसीसी जुड़ी हुई हैं उन सबको सिंक्रोनाइज करना या अदर पावर सोर्स को सिंक्रोनाइज करना, वो काम होता है सिंक्रोनाइजेशन पैनल का। तो डिटेल में हम देखते हैं दोस्तों अभी इसके बाद। और हर बार करके मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिंक्रोनाइजेशन पैनल ऑलमोस्ट जो होता है वो किसी भी जगह जो होता है वो सेम होता है। अब सिंक्रोनाइजेशन पैनल होता क्या है, डिटेल में हम समझते हैं। सिंक्रोनाइजेशन पैनल का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने पावर जनरेट करी और जो पावर हमें प्लांट में देनी है या बाहर देनी है उसको सिंक्रोनाइज करना, मतलब तो सब सारी चीज़ें एक ही पेस पे चले, पेस मतलब एक ही स्पीड पे चले। तो यानी स्पीड की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्वेंसी। होता क्या, बहुत सिंपल सा होता है। यहाँ पे कुछ बटन्स लगे होते हैं जिनकी हेल्प से जो है हम सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट करते हैं। ऊपर आप देखेंगे सिंक्रोनोस्कोप डिवाइस लगी हुई है, सिंक्रोनोस्कोप की हेल्प से हम ये सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे हमारे प्लांट में क्या सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग समझाते हैं, तभी आप किसी भी पैनल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये लिखा हुआ है 30 मेगावाट, यानी और ये है हमारी टर्बाइन, यानी यहाँ पे हमारी टर्बाइन है, उसने पावर जनरेट करी, वो पावर यहाँ पे ब्रेकर पे आई। अब हमारा काम क्या है, ये है 11 kV की बस। 11 kV मतलब ये पूरी एक मेन लाइन है जिसमें 11 kV वोल्टेज का पावर जनरेट होके पहुँचेगा। तो हमने यहाँ ग्रिड लगा दिया, ग्रिड लगाने के बाद ये पावर हमारी ये बस पे पहुँच गई, ठीक है। बस में पहुँचने के बाद फिर हमारी एक ग्रिड है, ग्रिड मतलब जहाँ पे पावर हमको बाहर भेजनी है। तो जब पावर हमको बाहर भेजनी है तो बाहर जो चीज़ें हैं यानी हमारी जो एक्सटर्नल ग्रिड है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, हमारे प्लांट में जो चीज़ चल रही है उसकी फ्रिक्वेंसी अलग है, तो हमें उसके संग मैच करना पड़ेगा तभी हम पावर भेज पाते हैं। लोगों को लगता है कि बस खाली पावर जनरेट करी, जनरेट करके बाहर भेज दिया, ये बहुत आसान होता नहीं। अगर जब तक सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, जैसे कि जो फ्रिक्वेंसी बाहर चल रही वो हमारे फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, तो हम तब तक पावर को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर स्विच में कुछ मोड दिए होते हैं कि हम उसे मैनुअल में सिंक्रोनाइज करने के दो तरीके होते हैं, या तो मैनुअली सिंक्रोनाइज करिए हाथ से, ऑटो में यानी छोड़ दीजिए वो अपने आप सिंक्रोनाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो मोड है इसमें, मैनुअल और ऑटो। तो आप मैनुअल करेंगे तो आपको अपने आप से करना पड़ेगा, ऑटो करेंगे तो वो ये सिंक्रोनोस्कोप अपने अकॉर्डिंग खुद करेगा। फिर नीचे एक ब्रेकर, नीचे भी एक बटन है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपको सिंक्रोनाइजेशन करना है वो किन किन चीज़ों का करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मेगावाट, 30 मेगावाट का करना है या 11 केवी ग्रिड यानी ग्रिड से करना है या एक 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 हमारा सेक्शन है मिल सेक्शन उसको सिंक्रोनाइज करना है, तो आप उस बटन को उस सेक्शन पे ले जाएंगे तो वो उस सेक्शन से सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और इसके बाद और भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि सिंक्रोनाइजेशन आपको किसी और पावर सोर्स से करना है, जैसे एक ये बटन है, ये हमारे पास एक टर्बाइन है वो 13 मेगावाट की है, यहाँ पे लिखी हुई है, उससे अगर आपको सिंक्रोनाइज करना है तो आपको दूसरे वाले बटन को वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। उसी तरीके हमारी एक और प्लांट है, डिस्टिलरी प्लांट, उसकी 8 मेगावाट की टर्बाइन है, उससे अगर सिंक्रोनाइज करना है तो उसका भी एक सेलेक्टर स्विच दिया हुआ है, उस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी मेन 30 मेगावाट यानी 30 मेगावाट की जो 11 kV वाली बस है उसके सिंक्रोनाइज हो जाएगा। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे B/C लिखा हुआ है इस 11 kV वाली बस से, इसको दोस्तों बोलते हैं बस कपलर। बस कपलर दोस्तों क्या काम करता है, बस कपलर क्या काम करता है कि एक पावर सोर्स को दूसरे पावर सोर्स से जोड़ता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपको 11 kV बस से सिंक्रोनाइज करना है इस टर्बाइन को या इस टर्बाइन को, तो आप सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से कर देंगे, ठीक है, ये हमारी इस लाइन से सिंक्रोनाइज हो जाएगी। लेकिन इस लाइन को और इस लाइन को आपस में सिंक्रोनाइज करना है तो उसके लिए एक इक्विपमेंट यूज़ होता है, बस कपलर। बस कपलर का काम क्या होता है, दोनों चीज़ों को मिला देना, कपल कर देना, जोड़ देना। तो बस कपलर भी आप ऐसे नहीं कि बस कपलर लगाया और उठा के हो गया, बस कपलर को भी सिंक्रोनाइज हमको करना पड़ता है, तो वो भी ऊपर वाले ही बटन से हो जाता है।
तो जब चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाती हैं तब हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होता रहता है। अब इस सिंक्रोनाइजेशन में नीचे पैनल पे कुछ रिलेज होती हैं, वो रिले क्या करती हैं कि इनकेस कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो अलग अलग पॉइंट की छोटी छोटी रिलेज हैं कि अगर पावर सर्ज हुआ या ओवर करंट हुआ कुछ भी हुआ तो वो इस ब्रेकर को या उस पावर सोर्स को क्या कर देंगी, ट्रिप कर देंगी। तो ये छोटा सा सिंक्रोनाइजेशन पैनल होता है, बहुत सिंपल सा। तो लोग सोचते बहुत टफ होता है, तो सिंपल सा है। अगर एक बार आप उसको सिंक्रोनाइजेशन होते हुए देखेंगे, कभी मौका मिला तो मैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंपल बस, अब जैसे मैंने बताया कि उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में या उस जगह हम बटन लेके जाते हैं और मैनुअल करना है तो हम खुद अपने हाथों से पावर घटा बढ़ा के करते हैं, उसके लिए बटन यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर ऑटो करना है तो ये मीटर अपने आप करता है, ऑटो में थोड़ा टाइम लेता है, उस टाइम को किल करने के लिए हम मैनुअल कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा था सिंक्रोनाइजेशन पैनल एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। उम्मीद है दोस्तों अगर आपको वीडियो ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई वीडियो और देखना है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।